नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे प्रकृति की और पर्यावरण की। अरुणाचल प्रदेश से रेड ओवर ग्रीन के एक श्रोता है, उन्होंने आपके लिए कुछ खास भेजा है। अरुणाचल प्रदेश के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अनेकों तरीके के जीव और वनस्पतियां मिलती हैं और उनमें से एक है विशालकाय मॉथ, एटलस मॉथ। मॉथ को हिंदी में आप शलभ कह सकते हैं, पतंगा कह सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉथ और बटरफ्लाई में फर्क क्या होता है। सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि बटरफ्लाई के या तितली के पंख चमकीले और भड़कीले रंग के होते हैं, वहीं मॉथ के पंख जो डल कलर्स के होते हैं। तितलियां दिन में निकलना पसंद करती हैं, वहीं मॉथ रात में निकलना पसंद करते हैं। तितलियों की सूंड प्रोबोसिस चिकनी होती है, मॉथ की सूंड हेयरी होती है। जब तितलियां बैठती हैं तो वो पंख ऐसे दबा लेती है, लेकिन जब मॉथ बैठता है तो वो पंख खोल के बैठता है। और भी भिन्नताएं हैं। आप जानते होंगे कि तितली हो या मॉथ हो, इन दोनों का जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और तितली या मॉथ से पूर्ण होता है। उसी तरीके से एटलस मॉथ भी अंडा, लार्वा, प्यूपा के जीवन चक्र से चलता है, लेकिन मॉथ जो ये एटलस मॉथ है, इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका मॉथ के तौर पर जीवन सिर्फ 2 हफ्तों का होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 2 हफ्तों में ये कुछ भी खाता नहीं या खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसका मुखांग विकसित नहीं होता। इन 2 हफ्तों में एटलस मॉथ के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, प्रजनन। मादा को ढूंढना, प्रजनन करना और अपनी संतति को पीछे छोड़कर मर जाना। अब एटलस मॉथ की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? एटलस मॉथ 9.5 इंच का होता है। कल्पना कीजिए कि आपके कंधे पर आकर एक एटलस मॉथ बैठ जाए और ये मॉथ चिड़ियों को, छिपकलियों को और जीव जंतु जो इसे खा सकते हैं उन्हें बचाने के लिए, उनको डराने के लिए इसके पंख में सांप के मुंह की तरह आकृतियां होती हैं, बड़ी बड़ी आंख जैसी आकृतियां होती हैं, जिससे लोग डर के भाग जाते हैं। तो ये रही बात एटलस मॉथ की। 9.5 इंच या 24 सेंटीमीटर का इंसेक्ट आपने इससे पहले शायद न देखा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अगली दफा मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली या बटरफ्लाई कौन सी है। मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने बच्चों और अगर आप अध्यापक हैं, लाइफ साइंस पढ़ाते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स और नेचर लवर्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।